जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप जानते हैं कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल और वेबसाइट हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोग, भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए एक मिशन के तौर पर काम कर रहा है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आइए, इस मिशन का हिस्सा बनिए, आपसे अनुरोध है। आप लोग यदि देहरादून गए होंगे तो आपने एक शब्द सुना होगा, कठमाली। यदि नहीं सुना है तो मैं आपको इस बारे, इस जो वीडियो है इसमें बताने जा रहा हूं। कठमाली उन लोगों को कहा जाता है कि जो जिनके पुरखे सदियों पहले देहरादून में बस गए थे और ये 100 साल, 200 साल, 250 साल या उससे पहले भी हो सकता है, उस समय के लोगों की बात कर रहा हूं। आज उन लोगों के नाम के आगे पहाड़ के लोगों की तरह ही टाइटल हैं, रावत हैं, नेगी हैं, बिष्ट हैं और भी जो टाइटल होते हैं, या इसी तरह गिल्डियाल हैं, कुकरेती हैं, बहुगुणा हैं, नौटियाल हैं और भी कई टाइटल उनके पास हैं। लेकिन जो गढ़वाली संस्कृति उनकी है, रीति रिवाज, भाषा, बोली, उनके पास कुछ भी नहीं रह गई है, सिर्फ उनको एक टाइटल रह गया है और वे लोग हैं कठमाली। आज जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो पूरा गढ़वाली हो या कुमाऊनी, वो इसी कठमाली समाज की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर है। हालांकि यह समाज अब उत्तराखंड के जो लोग पहाड़ों से आके बस गए हैं उनके बीच में घुलने मिलने लगे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। तो मैं कह रहा था कि कस्बों, शहरों और महानगरों में जो गढ़वाली और कुमाऊनी बस गए हैं वह कठमाली समाज की तरफ अग्रसर हैं, वैसे ही बनने जा रहे हैं। आप लोगों ने जो गढ़वाली के प्रसिद्ध गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, उनका एक गीत सुना होगा, मुझको पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ। जी हाँ, कठमाली बनने की तरफ जो अग्रसर है ये समाज, गढ़वाली कुमाऊनी लोग, वे अब गढ़वाली कुमाऊनी के बजाय दिल्ली वाले, बम्बई वाले, लखनऊ वाले, चंडीगढ़ वाले से लेकर श्रीनगर वाले, कोटद्वार वाले, हल्द्वानी वाले, नैनीताल वाले आदि होते जा रहे हैं। और विडम्बना देखिए कि जो देश दुनिया में है बाहर, चलो उनकी तो मजबूरी है कि उस जिस समाज में है वो हिंदी में बोलेंगे, लेकिन आप उत्तरकाशी जाइए या आप चमोली चले जाइए या आप अल्मोड़ा चले जाइए, पिथौरगढ़ चले जाइए, वो अपनी भोली भाषा नहीं बोले, वहाँ हिंदी को उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। यह कह सकते हैं कि गांव को छोड़कर आसपास के कस्बों या महानगरों में बसने की होड़ चली है और देश दुनिया की तो बात ही दूर है वहाँ के शहरों की। उत्तराखंड के जो कस्बे शहर हैं उनमें जो लोग बस चुके हैं उनमें अपनी भोली भाषा, रीत रिवाज, खान पान आदि को छोड़ने की जैसे होड़ मची है। अब न कोई बोई बाबा कह रहा है, न ईजा कह रहा है, न कोई मामा मामी काका बूढ़ी कह रहा है, अब सभी रिश्तों में अंकल आंटी हो गए हैं, अपने भोजन भी उन्होंने छोड़ दिए हैं। देहरादून में रह रहे और वहाँ के निवासी और लेखक राजेंद्र प्रसाद कोटनाला इस बारे में क्या कहते हैं, सुन लेते हैं। तो अभी हमारा कठमाली शब्द जो है प्रयाग देहरादून में चलता है, तो इसमें ये मुझे यहाँ के लोगों को मिलने का, रहने का, मैं भी करीब 35 साल से यहाँ पर हूँ, तो उसे मैंने पता किया भाई कठमाली का मतलब क्या है, तो उसने कहा मिक्सचर है, हम लोग मिक्सचर गढ़वाल के आ गए हम पहले, और उसके बाद हमारे बाप दादा ऊपर होने गए, हम यहीं सेटल हो गए और यहीं, क्योंकि वहाँ कोई समस्याएं होंगी पहाड़ की, समस्याओं को छोड़ करके हम यहीं रह गए, तो यहीं हम रस बस गए। तो हमने रिश्तेदार यहाँ गोरखा, कुमाऊनी, गढ़वाली में आपस में रिश्ते कर दिए, और उसके बाद में जो हमारी भाषा थी हम धीरे धीरे गढ़वाली, कुमाऊं और गोरखाली तो अभी भी ये बोलते हैं अपनी भाषा, लेकिन गढ़वाली कुमाऊं उस भाषा को बोलते नहीं जिसको, जिससे वो आए थे, वो जो होते थे। तो इस तरह से उनके कुछ कुछ रीति रिवाज जो है, जैसे कि खास तौर पर जो अंधविश्वास में जो बातें होती हैं, नाचना, ये पुछर के पास में जाना, ये जादू टोना, इस तरह के दोनों में कॉमन है अब भी है। और उनकी जो अपनी हमारी पुरानी संस्कृति थी, संस्कार थे, वो लगभग अब किसी में नहीं है। अब तो जो आपके जो जितने भी यहाँ पर देहरादून में गढ़वाली और कुमाऊं के लोग आ गए हैं, शहरों में बस गए हैं, वो पाश्चात्य संस्कृत में जा रहे हैं, उनका खान पान, पहन सहन, बोली भाषा, अब अपनी भाषा को तो कोई बोलना ही नहीं चाहता है, खास तौर पर गढ़वाली का, अपने आप को गढ़वाली कहता नहीं, मैं तो देहरादून वाला हूँ, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी गए, वो सच है जी। अभी भी लोग जो है अपने उसको हीन भावना समझते हैं गढ़वाली या कुमाऊनी कहने में,
और अपनी भाषा तो बिल्कुल घर में कोई बोलते ही नहीं, कोई बूढ़ा हो बूढ़ी हो दो वो बोलेंगे, बाकी उनके बच्चे नाती पोती कोई नहीं बोलते हैं, यहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी अपने अपने सब हिंदी में बोलते हैं या अंग्रेजी में बोलते हैं। वो दूर नहीं, वो दूर, सिर्फ हमारे जो कास्ट के टाइटल वो सिर्फ टाइटल टाइटल रहेंगे, जैसे पुराने यहाँ पर जो है गिल्याल हैं, ध्यानी हैं, रावत हैं, नेगी हैं, चौहान हैं, ये सिर्फ उनके टाइटल हैं, बाकी उनके न तो भाषा है न बोली है न संस्कार है न उनका वो जो जो सहन सहन पहाड़ों में था वो सब कुछ नहीं है। तो अभी जो नया समाज गढ़वाल कुमाऊं से आ रहा है वो लगभग लोग उसकी लाइन से चल रहा है, अपनी भाषा से अपनी से हमारी संस्कृति से इनका कोई मोह नहीं। वो कोटनाला जी की तरह जो एक वरिष्ठ पत्रकार थे, जनसत्ता में मेरे वरिष्ठ भी रहे और वरिष्ठ वो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक भी थे और दिवंगत मंगलेश डबराल जी, उनका एक लेख था 2015 में वो प्रकाशित हुआ था, उसको मैं आपके सामने उसको सामने रख रहा हूँ, उसको पढ़ रहा हूँ, उसका उल्लेख कर रहा हूँ। और वो 2014-15 में जो लिखा गया था आज भी वो कटु सत्य आज भी वैसे के वैसे ही है, परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं बदली है और भी भयावह हुई है। मंगलेश जी लिखते हैं, जब भी पहाड़ की ओर रुख करता हूँ मुझे लेखक विनोद कुमार शुक्ल की छत्तीसगढ़ के बारे में कविता पंक्ति याद आती है, पृथक राज आयल पण छत्तीसगढ़ गेल। उत्तराखंड भी 14 साल पहले अलग राज्य बनने के साथ ही चला गया था, सन 2000 में इस पर्वतीय राज्य के बनते ही विस्थापन पलायन और प्रवास को पंख लग गए, गांव खाली होकर ऋषिकेश देहरादून श्रीनगर हरिद्वार जैसे शहरों की तरफ बढ़े और दोनों गढ़वालों टिहरी और पौड़ी के नागरिकों का मैदानीकरण तेज हुआ। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में यह प्रक्रिया उतनी विकराल नहीं हुई क्योंकि वहाँ नगरीकृत जगहें अपेक्षाकृत ज्यादा हैं, नैनीताल अल्मोड़ा रानीखेत वगैरह इस तरह के वहाँ शहर ज्यादा थे। उनका यह भी कहना था कि मेरे कुछ परिचितों ने हाल में गढ़वाल जाकर जमीनें खरीदी तो एक बार फिर याद आया कि यह कैसी विचित्र और दोहरी विडंबना है कि पहाड़ के लोग मैदानी हो रहे हैं और मैदानों के लोग प्रकृति कम प्रदूषण सुरक्षा और एकांत की तलाश में पहाड़ की ओर जा रहे हैं, वहां के वहां नीड़ और कुटीर बना रहे हैं। गढ़वाल के शहर इन दिनों फूले हुए और गुलजार दिखते हैं जबकि गांव सिमटे हुए और अंधेरे के गहराते घेरे बन गए हैं। उत्तराखंड के नए परिसमन के आंकड़े बताते हैं कि गांव की आबादी किस कदर घटी है, वहां बूढ़े अधेड़ों औरतों और उन बच्चों के लायक जिनकी उम्र अभी मैदान चलने लायक नहीं है हुई है कोई नहीं बचा है। मेरी एक वीडियो पहले भी आ चुकी है इसमें कि किस तरीके से ब्राह्मणों के वहाँ गाय गांव जो है खाली हुए, पलायन कैसे हुआ और प्रदेश की जो पलायन आयोग की रिपोर्ट थी उसका भी मैंने उल्लेख किया था। यह लेख चूंकि उससे पहले लिखा गया था इसलिए मंगलेश जी जो कहते हैं वह उस रिपोर्ट में भी सत्य साबित हुआ था। वे आगे लिखते हैं कि खेती करना लोग लगभग छोड़ चुके हैं और खेतों में पेड़ उगाए हैं जिनकी जड़ें मिट्टी में नीचे तक चली गई हैं और जिन्हें उखाड़ कर खेती के लायक बनाना बहुत मेहनत और का काम होगा और यही स्थिति आज भी है। इस भयानक किस्म के वनीकरण से रीछ भालू मूसाही बंदर और लंगूर इतनी बड़ी तादाद में पैदा हो गए हैं कि कोई फसल उगाता भी है तो उसे जानवर पकने से पहले तहस नहस कर जाते हैं। ये क्या ऐसी परिस्थिति है जो गढ़वाल की समूची परिस्थितिकी को बदल देगी और वह मनुष्य नहीं बल्कि सिर्फ पर्यावरण के काम की रह जाएगी। चूल्हों का जलना और धुएं का उठना वन पहाड़ के मिट्टी पत्थर के मकानों को मजबूती देता है। वे आगे लिखते हैं, वास्तव में एक प्राचीन सभ्यता का समाप्त होना और उसके स्वरों का रुंधना धीरे धीरे उसका अवशेष में बदलना जैसे है। शायद मेरी और मेरे जैसे बहुत से लोगों की यह गढ़वाली पहचान अब मेरे घर के खंडर की तरह है जहां हम कभी देखने या भूला बिसरा कुछ याद करने जा सकते हैं लेकिन लौट नहीं सकते, कहीं जाना वहां लौटना नहीं होता। यह पीड़ा मंगलेश जी की थी और यही पीड़ा हम सबकी भी है। मंगलेश जी आज हमारे बीच नहीं है, वो कोविड काल में हम सबको अलविदा कहके चले गए, लेकिन मंगलेश जी के जो शब्द हैं ये आज भी कटु सत्य हैं और आज भी वो आज की परिस्थितियों को बयां कर रहे हैं। आज पूरा उत्तराखंडी समाज बदलता जा रहा है, पहाड़ में अपनी संस्कृति और बोली भाषा को छोड़ने की जैसे होड़ मची है। लोग यह नहीं सोच रहे हैं कि जिस संस्कृति को बनने में सदियों लगी वह संस्कृति और परंपराएं प्रचलन से बाहर हो रही हैं।
इसी तरह गढ़वाली कुमाऊनी अकादमी बनाकर भाई क्या करोगे, अब तो दिल्ली में भी बन गई है। जब गढ़ में गढ़वाली कुमाऊनी बोली नहीं रहे हैं तो इन अकादमियों का क्या करोगे। उत्तराखंड के गांव को ही छोड़कर वहां के ही शहरों कस्बों में बसे लोग अपनी संस्कृति को छोटा मानकर उसे भाग रहे हैं, और शहरों में भी तो यह बात है, जो बड़े शहरों में लोग बसे हैं वे अपनी बोली भाषा को बोलने में हीन भावना से ग्रस्त दिखते हैं। जबकि कभी पंजाबी बंगाली आदि को देखिए, या दक्षिण भारत के लोगों को, वो किस तरीके से अपनी भाषा को बोलते हैं अपने सम्मान के साथ, अभिमान के साथ। लेकिन हम न अपना खान पान की कोई पहचान बना पाए, न अपनी बोली भाषा, न संस्कृति का। परंतु ये हालत यह है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं, गले लगा रहे हैं, और अपनी महान सभ्यता को नष्ट करने में लगे हैं। कस्बों, शहरों व महानगरों में बसे हम लोग अब गढ़वालीपन या कुमाऊनीपन खोने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि अब हम देसी वाले हो गए हैं, जो कठमाली बनने की प्रक्रिया है। अब हम कठमाली बनने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, यह शुरुआत है। अब भावी पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ने जा रहे हैं, कभी सोचा आपने? और अंत में पहाड़ की महिलाओं से भी एक सवाल। महानगरों के कथकों शादी ब्याहों में पहाड़ी नथ व अन्य आभूषण पहनकर नाचना तो अच्छा है, परंतु अपने बच्चों से गढ़वाली को मावनी तो बोलिए। माँ की गोदी में बच्चे जो कुछ सीख लेंगे वे वह जीवन भर याद रखेंगे। हमने भी अपनी माँ की गोदी में गढ़वाली सीखी थी, जो हमें अब याद है। लेकिन यह जिम्मेदारी महिलाओं की बड़ी है, उनको इसे भागना नहीं चाहिए। यस, तो यह है उत्तराखंड के लोगों के कठवाली बनने की प्रक्रिया। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। मैंने जैसे कि पहले भी कहा, हिमालय लोक चैनल हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया में के सामने रखने के लिए लाया गया है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ों ला और अंतिम गीत नदियों के गीत को भी सुनने ना इस चैनल में है, और हमारा समसामयिक घटनाक्रम पर चैनल है संपादकीय न्यूज, उसको भी अवश्य देखिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।